देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ हूं आदित्य द्विवेदी। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन टूट सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, यूपी में टूट सकता है सपा बसपा का गठबंधन। उपचुनाव मायावती अकेले लड़ेंगी, सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है। यूपी में 11 सीटों पर होना है उपचुनाव। आपको बता दें जिस तरीके से मायावती दिल्ली में अहम बैठक उन्होंने की है, तो वहां से खबर निकल कर के आ रही। साफ तौर पर उनका कहना है कि यादव वोटर है जो वो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अमित दुबे हमसे जुड़ गए हैं। अमित, क्या माना जा रहा है जिस तरीके से अभी बैठक चल रही है, अंदर खाने खबर निकल करके आ रही है कि ये गठबंधन सपा और बसपा का टूट सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आज खास तौर पे मायावती ने बैठक रखी थी जिसमें न सिर्फ जीते हुए सांसद बल्कि जो लोकसभा के प्रत्याशी थे उन लोगों को भी इस बैठक में बुलाया गया था। साथ ही जिला अध्यक्ष और जोनल कोऑर्डिनेटर जो थे उन्हें भी यहाँ पे बुलाया गया। तो मायावती ने साफ गठबंधन में कहा है कि गठबंधन से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, जो वोट ट्रांसफर का जो गणित था वो गणित कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुआ। जी आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, उस पर जानकारी देने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए के न्यूज संपादक संजय राजन जी हमसे जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या माना जा रहा है जिस तरीके से जैसी अपेक्षा की थी इस गठबंधन ने कि उसको अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, लेकिन अच्छी सीटें ना मिलने के बाद अब साफ तौर पर मायावती ने यह कहा है कि बसपा को यादव वोट नहीं मिलता है, तो उस गठबंधन के टूटने की बात निकल करके सामने आ रही सूत्रों के हवाले से? संजय जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त बेहद अहम खबर आपको बता दें, यूपी में 11 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में अकेले ही चुनाव लड़ेगी बसपा। बैठक के दौरान ये बात निकल करके सामने आ रही है कि गठबंधन टूट सकता है। मायावती का कहना है सपा के लोगों ने गठबंधन के खिलाफ काम किया है, यूपी में उपचुनाव अकेले ही लड़ेंगी मायावती, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके आ रही है। सूत्रों की माने तो इस खबर को पुष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ा गया था, और ऐसे में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, उन्होंने इस गठबंधन पर नाराजगी जताई थी और साफ तौर पर उनका कहना था कि यह बहुत बड़ी गलती है। उस पर चर्चा करने के लिए केनु संपादक संजय राजन जी हमसे जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या माना जा रहा है जिस तरीके से यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव मिलकर के सपा बसपा और आरएलडी ने लड़ा, और ऐसे में अब गठबंधन टूटने वाला है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके आ रही है? संजय राजन जी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सपा के लोगों ने गठबंधन के खिलाफ काम किया है, मायावती का यह कहना है। मायावती ने कहा है उनको मुसलमानों का वोट उन्हें मिला है, लेकिन यादव समाज का वोट उन्हें नहीं मिला है। आपको बता दें जब रिजल्ट आए थे तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं ऐसी सुगवाहट थी, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये गठबंधन टूट जाए, लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये गठबंधन टूट जाएगा। वैसे भी आपको बता दें सालों बाद ये गठबंधन बना था, गेस्ट हाउस कांड के बाद सारे गिले शिकवे दूर करने के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया था मोदी को हराने के लिए, लेकिन जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की एनडीए ने और उसमें समाजवादी पार्टी उसको तगड़ा झटका लगा यूपी में, उसके घर के ही 3 सदस्य हार गए, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है, वो तक चुनाव हार गए। हालांकि
बसपा को जरूर इसमें फायदा होता हुआ नजर आया था, क्योंकि जीरो सीट पर सिमट चुकी थी बहुजन समाज पार्टी। 2014 में एक भी उनका सांसद नहीं था, लेकिन अब उनके पास 10 सांसद हैं और इस गठबंधन की देन है जो चुनाव जीती। लेकिन अब उल्टा ही वो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पर। अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव की क्या प्रतिक्रिया आती है, वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। अखिलेश यादव को एक तरीके से कहा जाए तो तगड़ा झटका दिया है बसपा सुप्रीमो ने। और आपको एक बात और भी बता दें, एक बार पहले भी ऐसे ही मुलायम सिंह यादव को तगड़ा झटका दिया था मायावती ने, जब गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, और उस वक्त तगड़ा झटका दिया था जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ था। वो जब मुख्यमंत्री थी तो उसके बाद जब समाजवादी पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री बनना था, यानी कि मुलायम सिंह यादव को बनना था, तो उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया था। तो माना ये जा रहा है कि राजनीति की एक चतुर चालाक खिलाड़ी है मायावती, उन्होंने इस गठबंधन का फायदा उठाया और अब वो समझ चुकी हैं यूपी की नब्ज क्या है। आखिरकार यूपी में किस तरीके से चुनाव लड़ना है आगे, और इस पर चर्चा करने के लिए केन्यूज संपादक संजय राजन जी हमसे जुड़ चुके हैं। संजय जी, जिस तरीके से कयास पहले भी लगाए जा रहे थे, अक्सर आपसे मेरी बात हुई थी इस विषय में, और हम लोग जब बात करते थे कि अगर जिस तरीके से अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए हैं, ऐसे में क्या गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन आज बैठक के दौरान सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल करके आ रही कि गठबंधन टूट सकता है। निश्चित तौर पर पूरे चुनाव के दौरान करते थे कि अगर जो इन लोग परिणाम सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन को सीटें नहीं आती है यूपी में, गठबंधन ग्रहण लगेगा। और आज जिस तरह से मायावती बीएसपी सुप्रीमो ने जो बयान दिया है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, जो उनके संकेत दिया, उन्होंने दो विषय से भी कोई प्रयास नहीं ठीक है। संजय जी, आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, उस पर जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब अखिलेश यादव को एक तगड़ा झटका है अगर गठबंधन टूटता है। हालांकि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके आ रही कि गठबंधन टूट सकता है, सपा बसपा का गठबंधन टूटने के संकेत है, तो ऐसे में अब जरूर अखिलेश यादव सोच रहे होंगे कि ये गठबंधन करके उन्होंने वाकई में बहुत बड़ी राजनीतिक गलती की है, जिससे उनके चुनावों पर असर पड़ा। और पिछली बार तो उनको सीटें मिल गई थी, हालांकि वो अपना पारिवारिक कुनबा तो कम से कम बचा पाए थे, इस बार उसमें भी 3 सीटें वो हार गए।